क्वेश्चन है कि लेट आर एन ओवर एक्स डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर हैविंग डिग्री एट मोस्ट एन, देन द डायमेंशन ऑफ आर एन ओवर एक्स इज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है ओवर आर पे जिसकी डिग्री कितनी है एट मोस्ट एन, देन द डायमेंशन ऑफ आर एन ओवर एक्स कितना रहेगा आपका। तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रिक्वायर्ड ओवर फील्ड एफ टू राइट सेट ऑफ वेक्टर वी इज डायमेंशन ऑफ वी। ओके, सिंपली मैं आप समझे, आपके पास में एक वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, स्टैंडर्ड बेसिस को बनाया। अब स्टैंडर्ड बेसिस में कितने आपके वेक्टर है, ऑन दैट बेसिस आप क्या कह सकते हो वो क्या आपका डायमेंशन होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास में क्या है, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब और आप आर आपसे पूछा है, जिसमें बेसिस कितने हैं, 3 है, 100010001। अब इसके बेस पे आप वेक्टर को फाइंड करेंगे और इज इक्वल टू 3 है। सिंपली आप देखिए, आर स्क्वेयर को भी आप जब फाइंड करते हो तो इसका डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। डायमेंशन ऑफ वी एन ओवर एफ, एफ क्या हुआ आपका, एक फील्ड हुआ, तो इसमें कितने रहेंगे आपके, 100010 अप टू एन तक, ऐसी है एन आपके बेसिस बन जाएंगे, तो एन वेक्टर इसमें इज इक्वल टू एन आपका डायमेंशन होगा। अब देखते हैं हम डायमेंशन ऑफ एक मैट्रिक्स है कैपिटल एम, जिसका रोज एम है, कॉलम एन है और एफ पे, एफ क्या हुआ आपका, एक फील्ड हुआ, तो इसमें क्या आपके मैट्रिक्स बन जाएंगे एम क्रॉस एन के, जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम रहेंगे, तो इज इक्वल टू डायमेंशन कितना रहेगा इसका, एम एन रहेगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ पे इसका कितना रहेगा, ये तो आप कह सकते हैं 1x1, x2, up to xn, up to infinity तक चलती जाएंगी टर्म, तो ये क्या रहेंगे, इसका डायमेंशन कितना रहेगा आपका, इन्फिनिटी रहेगा। V और F भी आप कह सकते हो, जिसका आप वेयर V क्या रहेगा आपका, इसका V इज अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन एंड F इज इक्वल टू R, तो इसमें क्या रहेगा आपका, इन्फिनिटी डायमेंशन रहेगा। C और R आप कॉम्प्लेक्स में जब स्टडी करते हो तो 1 रियल भी है आपका और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहे, तो 1 इज इक्वल टू 2 डायमेंशन रहेगा आपका। R ओवर क्यूब पे इसमें भी इन्फिनिटी रहेगा डायमेंशन। अब एक है आपके पास में पीएन ओवर एफ पे, अब ये पॉलिनोमियल बनी, इसमें कितने रहेंगे आपके, 1x2 up to xn तक, तो ये क्या हुआ आपके, n+1, इस पॉलिनोमियल का डायमेंशन कितना रहेगा, n+1। अब ये भी एक पॉलिनोमियल होंगी आपकी, अब इस पॉलिनोमियल के आर एन ओवर एक्स पे इसका डायमेंशन कितना रहेगा आपका, n+1। देखिए यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल देखिए उसके बेस पे ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में आपके कितने डायमेंशन रहेंगे, तो n+1, हेंस ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।